साथियों नमस्कार। आज भारतीय किसान यूनियन की एक कोर कमेटी की मीटिंग करनाल में डेरा गुरुद्वारा कार सेवा साहब में हुई है और उसमें जो फैसला लिया गया है वो मौड़ा मंडी से टीकरी बॉर्डर तक पैदल यात्रा का फैसला लिया गया है। 24 तारीख को सर छोटू राम की जयंती है और उनके गांव से उनके स्मृति स्थल है जहां सापला में, वहां पे फूलमाला अर्पित करेंगे और उसके बाद 26 तारीख को संविधान दिवस है। संविधान दिवस के पहले दिन 25 तारीख को मौड़ा मंडी से, जहां से पिछले साल हमने यात्रा शुरू की थी दिल्ली के लिए, दिल्ली कूच किया था, वहीं से इस बार पैदल यात्रा शुरू करेंगे जो पानीपत रोहतक से होते हुए 5 तारीख को टीकरी पहुंचेगी। और उसमें एक फैसला उसके साथ ये लिया है कि अगर 5 तारीख तक यानी दिल्ली पहुंचने से पहले अगर हमारे कानून वापस नहीं होते हैं, सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, तो हरियाणा और पंजाब इनका सारे किसानों का, मजदूरों का कर्जा बंद करवाने का अनाउंस करेंगे कि उसके बाद किसान तब तक कर्जा नहीं भरेगा जब तक आंदोलन चलता रहेगा। पूरे हरियाणा और पंजाब का किसान कर्जा रोकेगा और उसके बाहर के प्रदेश जो हैं वो अपने अपने उनकी मर्जी होगी। और दूसरा जो है उस अगले आंदोलन में क्या तेजी लाई जाएगी उसका फैसला भी 5 तारीख को वहीं पे किया जाएगा। तो ये फैसला आज की पंचायत में हुआ है और उसमें जो भाई हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, उत्तराखंड से, हम अनुरोध करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा में हिस्सा लें। और ये यात्रा, इस यात्रा का जो नाम रखा गया है वो शहीद किसान सम्मान यात्रा रखा गया है और जो 26 तारीख से 5 तारीख तक चलेगी। और संयुक्त मोर्चे का भी ये फैसला था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली में लाया जाए, तो उसके तहत ही ये यात्रा शुरू की गई है। तो सबसे अनुरोध है कि अपनी ट्रालियां लेके आए जिसमें आपके सोने का इंतजाम हो, अपनी गाड़ियां लेके आ सकते हैं, जो भाई जिस तरीके से शामिल हो सकता है वो भाई उस तरीके से शामिल हो। और 25 तारीख को चलेंगे, सभी भाई अपनी अपनी तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा में सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।